Hello students, so in the last video we have studied about the introduction on the basics of Boolean algebra. तो बुलियन अलजेब्रा में हमने अभी तक पढ़ा क्या कि नंबर सिस्टम्स होते हैं अलग अलग तरह के और उस नंबर सिस्टम्स के बेसिस पे उनका अलग अलग यूज होता है. अब यहाँ पे इशू ये अराइज होता है कि जब हमारे पास चार तरीके के या इतने सारे तरीके के नंबर सिस्टम हैं, तो अगर मान लीजिए मुझे किसी नंबर सिस्टम का एक मेरे पास एक डाटा है एंड आई हैव टू सेंड दैट टू द यूजर सम अदर यूजर और समथिंग अदर, मुझे ट्रांसमिट करना है वो डाटा. तो उस डाटा को ट्रांसमिट करने में क्या प्रोसेस होगा, कैसे डाटा ट्रांसमिट होगा, ये हमें समझ में आना जरूरी है. क्योंकि अगर हमें ये चीज समझ में आती है तो हम ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं या हम ट्रांजेक्शन में हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे फ्रांस जाना है एंड आई वॉन्ट टू गो थ्रू सम रूट जो मैंने कभी नहीं यूज किया है, जो रूट मैंने आज तक कभी मैं गई नहीं हूँ वहां पर, तो ऑब्वियसली बात है मैं कुछ लोगों की हेल्प लूंगी टू गो देयर. बट अगर मुझे एक बार पता चल गया दैट वॉट इज द रूट फ्रॉम हियर टू फ्रांस, आई कैन गो देयर. तो ट्रांजेक्शन का, अगर ट्रांसपोर्ट का पूरा नॉलेज मेरे पास है, मेरे पास सारे टिकट्स हैं, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं आराम से अकेले भी जा सकती हूँ. आई डोंट नॉट रिक्वायर समवन टू गाइड मी एट एवरी स्टेप. हर एक स्टेप पे कोई गाइड करने वाला नहीं चाहिए होगा. ओके, एंड देन उसके बाद जो है मुझे वहां पर क्या करना है, मुझे सिर्फ वहां जाना है और जो काम मैंने सीखा है वो, जो काम मुझे करना है वो मैं करूंगी. नाउ अब यहाँ होता क्या है कि जब मैं किसी भी, एक मान लीजिए ए यूजर है, उससे मुझे बी यूजर तक एक डाटा ट्रांसमिट करना है, तो उसका प्रोसेस अगर मैं जानती हूँ तो मैं उसको आसानी से भेज सकती हूँ बिना किसी परेशानी के. नाउ अनदर प्रॉब्लम अराइज कि अगर मेरे पास, मैं फ्रांस जा रही हूँ तो मुझे फ्रेंच आनी चाहिए या जो सामने वाला पर्सन है कोई कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए. या तो मुझे फ्रेंच में बात करनी होगी या सामने वाला जो पर्सन है उसे इंग्लिश या हिंदी में बात करनी होगी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. अब ये जो ट्रांजिशन होता है, जो लैंग्वेज, जैसे ह्यूमन लाइफ में हमें प्रॉब्लम होता है अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से कम्युनिकेट करने में, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को भी कम्युनिकेट करने में कई बार प्रॉब्लम आती है. तो अगर हम ये कन्वर्जन समझते हैं या ये ट्रांसमिट हम समझते हैं कि कैसे होता है, तो कंप्यूटर को हम सहूलियत कर सकते हैं. बींग अ ह्यूमन, हमारा माइंड ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंप्यूटर से, क्योंकि हमने ही कंप्यूटर बनाया है. तो हम उसे सहूलियत कर सकते हैं, हम उसे हेल्प कर सकते हैं अलग अलग ट्रांसमिशन या कोई भी काम करने में जिसमें डाटा का यूज हो रहा है जो कि अलग अलग फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इन दिस वीडियो इज बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द नंबर सिस्टम और द नंबर्स फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर. मतलब आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी से मैं अगर डेसिमल करना चाहती हूँ कन्वर्जन या डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करना चाहती हूँ, ये कन्वर्जन्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे बात करना. कन्वर्जन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. और कन्वर्जन कैसे कैसे होते हैं, तो हमारा जो बेस नंबर है, ठीक है, नंबर बेस नंबर सिस्टम्स हैं, चार बेस नंबर सिस्टम है, उसमें बाइनरी से अदर का ट्रांसमिशन, अदर का कन्वर्जन जो होता है, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होगा, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा. सेम विद अदर सिस्टम्स आल्सो, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें हम लर्न करेंगे. आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम. बाइनरी जो है वो हमारा मशीन लैंग्वेज है, मशीन उसी को समझता है, बस जीरो और वन ही समझ में आता है उसे. क्यों समझ में आता है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. रिमाइंडर के लिए मैं एक बार फिर बता दूं, बाइनरी क्यों समझ में आता है आपके कंप्यूटर्स को. अगर मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में उसे सिर्फ समझ में आ रहा है वोल्टेज, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो वोल्टेज जो है या वो करंट जो है वो कितने तरह से आ रहा है, उसे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है. उसे नहीं समझ में आ रहा है जो मैं डाटा दे रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये उसे नहीं समझ में आता है. उसे नंबर समझ में आते हैं जीरो और वन में, क्योंकि वन रिप्रेजेंट करता है हाइयर लेवल ऑफ वोल्टेज एंड जीरो रिप्रेजेंट करता है लोअर लेवल ऑफ वोल्टेज. आसानी से समझने के लिए हम उसे ट्रू और फॉल्स का वैल्यू भी देते हैं. ट्रू वैल्यू हम देते हैं वन को और जीरो को हम देते हैं फॉल्स वैल्यू. तो ये ट्रांजिशन, बाइनरी हमारा इसीलिए मशीन लैंग्वेज है बिकॉज मशीन वही समझता है.
तो मशीन लैंग्वेज से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि बाइनरी नंबर हम जो डेसिमल ट्रांजिट कर रहे हैं, मेरा जितना इनपुट जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ जिसमें 2 डिजिट का मुझे सम चाहिए, तो वो 2 डिजिट जो जा रहे हैं वो डेसिमल में जा रहे हैं, और जो 2 डिजिट ट्रांसमिट होगा वो मुझे अगर बाइनरी में पता करना है तो ऑब्वियसली मुझे आंसर भी एक्सपेक्टेड होगा डेसिमल में भी, और बाइनरी में किस तरह का प्रोसेस हो रहा है। नाउ सिंस इट इज मशीन लैंग्वेज, तो हमारा पुराना सिस्टम उसी पे वर्क करता था, तो उसी तरह हमें यहाँ पर डेसिमल का या बाइनरी से रिलेटेड जितने भी अदर नंबर सिस्टम्स हैं उनका कन्वर्शन हम आज देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन बाइनरी टू डेसिमल। नाउ बाइनरी टू डेसिमल के कन्वर्शन के लिए हम यहाँ पर जो है कोई भी रैंडम मैं एग्जांपल्स लूंगी और आपको 2 तरीके से मैं समझाऊंगी, हालांकि दोनों ही तरीके सिमिलर भी लगेंगे आपको और दोनों ही तरीके आसान भी हैं, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल सबसे आसान तरीका है कन्वर्जन करने का, चाहे हम बाइनरी से स्टार्ट करें चाहे हम डेसिमल से स्टार्ट करें। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पर ये नंबर है। आई एम सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, मैं कभी उसको ज्यादा बोर्ड को मैंने यूज नहीं किया है। तो ये आपका बाइनरी का बेसिक नंबर है। नाउ इस नंबर को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कन्वर्शन आप करेंगे कोशिश करिए कि आप LSB से, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे कन्वर्शन, क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू आपका होता है, तो इसी तरह से आपको ट्रांसमिट लोएस्ट से हाईएस्ट जाना होता है। ये आपका जो है MSB है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट जब आप जाएंगे तो LSB से MSB की तरफ जाएंगे। तो ये जो डिजिट हो गया इसके नीचे आप लिख सकते हैं 2 to the power 0। 2 आपका हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो है नंबर ये बाइनरी नंबर है और बाइनरी का बेस होता है 2, तो ट्रांसमिशन यहाँ पर कन्वर्शन करने के लिए हमें जो है 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है या 2 का पावर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 4, सिमिलरली 2 to the power 5, 2 to the power 6 एंड 2 to the power 8। आप इसी तरह जो है नंबर को कन्वर्शन कर सकते हो, या फिर अगर आपको वैल्यूज याद हैं इन पावर की, 2 के पावर की वैल्यूज अगर आपको याद है तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, 2 to the power 0 आपका 1 हो जाएगा, 2 to the power 1 आपका 2 हो जाएगा, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 16, दिस विल बिकम 32 एंड दिस विल बी 64। ये आपका नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो है अब इसको करना क्या है, आपको जहां पर भी आपको वैल्यूज जो है वो 1 लिखा है, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यू हैव टू, ये जो वेटेज है 2 का जो वेटेज है, इससे आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर सिस्टम में आपका एड अप हो रहा है। तो अगर हम इसको लेके चलें तो हमारे पास जो है इक्वेशन क्या आ जाएगा, LSB से अगर हम स्टार्ट करें चाहे MSB से आप स्टार्ट करें, जैसे आपको करना है, आपने पहले यहाँ पर नीचे जब लिख दिया है एक बार तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि क्या करना है, तो आप MSB से भी स्टार्ट कर सकते हो, LSB से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको LSB से लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको हमेशा समझ में आए, याद रहे कि कैसे करना है। तो हमने 1 into 1 कर दिया क्योंकि वेटेज सबसे लास्ट में 1 है, प्लस क्या करना है हमें 1 into 2 कर दिया, फिर और एक 1 है तो 1 into 4 कर दिया, इसके बाद जो है 0 into 8 आप लिख सकते हैं बट वो आंसर 0 ही आएगा, तो आप चाहो तो वो स्किप कर दो। तो इसको हम एक 0 लिख देते हैं जस्ट टू इंडिकेट दैट वी हैव डन हियर व्हाट वी हैव डन, 0 into 8 किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया 16 into 1 प्लस अगेन अनदर 0, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, आई होप आपको समझने में दिक्कत ना हो, 0, और ये 0 किसके लिए है, ये 0 है मेरा 32 into 0 के लिए, प्लस लास्ट मेरा है 64 plus 1। ओके, सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आप चाहो तो आप इस तरह भी ऐड कर सकते हो, आपका सबसे लार्जर नंबर है 64 जिसको मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर उसके बाद है 16, फिर उसके बाद है 4, फिर उसके बाद है 2, फिर उसके बाद है 1। यू कैन ऐड दिस नंबर एंड व्हाट वुड यू गेट, ये हो जाएगा 10, 14,
16 एंड 17. सो दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी योर 1 कैरी. 1 कैरी किया 6 7 एंड 8. द नंबर वुड बी 87 इन डेसिमल. मतलब ये जो आपका नंबर था, मैं फिर से लिख रही हूँ, 1010111, ये बेस 2 में इज इक्वल टू 87 इन डेसिमल, दैट इज बेस 10. ये प्रोसेस है आपका बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन करने का. आप दोनों ही तरीके से करिए, चाहे आप 2 के पावर में मल्टीप्लाई करिए 1 को, चाहे आप इसको जो 2 की पावर की वैल्यू है वो सारी वैल्यू आप यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखी है आप उस तरह लिख सकते हो, इस तरह मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, या फिर इस तरह रैंडमली लिख लो, जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो भी चलेगा, जो आपको आसान लगे आप उससे कन्वर्जन कर सकते हैं. दोनों ही मेथड सही हैं. अगर आपको क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ज्यादा फास्ट है, या आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना लिखे, वो प्रोसेस ज्यादा फास्ट हो जाएगा. अगर आपके 1 मार्क्स 2 MCQ के अलावा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या उससे ज्यादा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस केस में आई वुड प्रेफर कि आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, जहां पर आप वेटेज भी लिख रहे हैं और इस तरह इक्वेशन बना रहे हैं कि किससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है और एंड में वैल्यू लिख रहे हैं इस तरह. एंड ऑलवेज रिमेम्बर टू मार्क योर आंसर्स लाइक दिस. आप जो है आंसर को इस तरह स्क्वायर में, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के स्टूडेंट्स को बताया ही गया होगा, इस तरह आप इसको स्क्वायर बॉक्स में लिख दीजिए कि आंसर आखिर है क्या, कौन से आपने बाइनरी डिजिट को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ये आपको एट द एंड बताना चाहिए. सो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ यू टू फॉलो, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी बाइनरी नंबर टू डेसिमल. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अगर ये पार्ट आपका क्लियर हो गया है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल. सो एज आई वाज टेलिंग, नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी हेडिंग अप टू बाइनरी टू ऑक्टल. नाउ ऑक्टल में हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्टल में आपके पास बेस 7 है, यानी कि आपके पास बेस 8 है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इतने ही डिजिट्स आपके पास हैं, इससे ज्यादा नहीं है. तो इसका कन्वर्जन किस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो मान लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी नंबर. बहुत आसान होता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैं इस नंबर का एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी नंबर एंड लेट्स कन्वर्ट दिस टू एन ऑक्टल नंबर. तो हाउ टू कन्वर्ट दैट, वेरी सिंपल मेथड. अगेन हम यहाँ पर LSB से स्टार्ट करेंगे और MSB पर जाएंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट. नाउ हाईएस्ट टू लोएस्ट जाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है ऑफ 3 डिजिट्स. तीन तीन डिजिट्स के आपके कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, तो तीन तीन डिजिट्स का ग्रुप बना लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए उनको ग्रुप में. ऐसा कभी किसी सिचुएशन में अगर हो कि आपका MSB में नंबर ऑफ डिजिट कम पड़ जाए, इस बार हो सकता है, इस बार जैसे मेरे सामने अभी 2 ही डिजिट दिख रहे हैं, हो सकता है कभी आपके पास सिर्फ 1 ही डिजिट मिले, ये सिचुएशन, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया जहां पर 3 के पैर हर जगह कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ताकि मैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना है बता सकूं. तो इस सिचुएशन में आपको एक 0 अपने आप यहाँ पर ऐड कर देना. नाउ जिस तरह हम लोग जैसे किसी भी डिजिट के आगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सिंगल वैल्यू डेसिमल में 1 लिखी है, डेसिमल में मैंने 1 लिखा है, तो अगर मैं 0 1 लिख रही हूँ तो भी सेम वैल्यू आ रहा है. वैल्यू का वेटेज तब चेंज होगा जब डिजिट के बाद 0 लगाते हैं, तो सेम वे वैल्यू का वेटेज जब चेंज तब होगा जब LSB के बाद आप 0 लगा रहे हैं. तो इसीलिए हम LSB से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि LSB में हम 0 नहीं लगा सकते, तो हम LSB से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे और 3 के ग्रुप बनाएंगे. ये मेरे पास 3 के ग्रुप बन गए. अब यहाँ पर हर 3 के ग्रुप में जिस तरह हमने वेटेज लिखा था बाइनरी में, सेम वेटेज हम हर ग्रुप के आगे सिमिलरली लिखेंगे. मतलब यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए.
अगेन यहाँ पर सेम वन लिखना है, टू लिखना है, फोर लिखना है, फिर से वन लिखना है, टू लिखना है, फोर लिखना है। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बेस टू है हमारा बाइनरी में, तो अगेन यहाँ पर इसीलिए लिख रहे हैं टू टू द पावर। यही किया है यहाँ पर भी, यही किया हमने, बस यहाँ पर क्योंकि हमने ग्रुपिंग कर दी है तो उस ग्रुपिंग के कारण सेम नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब मुझे फिर से वही चीज करनी है, जहां पर जो डिजिट के आगे वन है तो उसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। जैसे इसका इक्वेशन बनेगा 4 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 1, या फिर सिंपली इसे मैं 4 + 1 5 डिनोट कर सकती हूँ। तो यहाँ का ये तीन ग्रुप का वैल्यू आपका निकल गया। अब नेक्स्ट तीन ग्रुप पे चलते हैं, नेक्स्ट तीन ग्रुप ऑफ डिजिट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें क्या है आपका, 4 पर है, यानी कि 4 + 2 ये ऐड होगा, दैट विल बी 6। अगेन यहाँ पर चलते हैं तो इस ग्रुप में हमारा क्या होगा, सिर्फ 2 है क्योंकि 4 के ऊपर भी 0 है, 1 के ऊपर भी 0 है, तो ये दोनों दोनों जो है मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ऑक्टेल में आ गया 2, 6 and 5, दैट इज इन द बेस 8। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है यू जस्ट हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पार्ट को फिर से दोहरा दूंगी, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको समझ में आए। हालांकि ये बहुत ही इजी सिंपल मेथड है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पूछने में बिल्कुल भी परेशानी मत उठाइएगा, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, दैट इज हेक्साडेसिमल। नाउ हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या होता है, हेक्साडेसिमल में हमारे पास बेस है 16। बेस 16 क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो 0 to 9 नंबर्स है ही, दैट इज 10, एंड फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 5 digits, 6 digits मेरे पास यहाँ, 6 characters यहाँ पर भी हैं, which are included in the number system। तो यहाँ पर कैसे करना है इसको, इसका जरा समझेंगे। सबसे पहले मैं ये चीज समझा दूं कि जब भी आपका एडअप होगा, जो एडअप आएगा, ये जो वन ए है ये आपको तब लिखना है जब आंसर 10 आए एडिशन का, सम का। ये आपको 11 पे लिखना है, ये आपको 12 पे लिखना है, ये आपको 13 पे लिखना है, और ये वाला आपको 14 पे लिखना है, ये वाला आपको 15 पे लिखना है। कैसे आएगा ये भी दिखा देते हैं, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस बार एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि हमारे पास नंबर थोड़ा अच्छा आए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये सब वन मैं लिख रही हूँ, डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय माई हैंड राइटिंग, बट ये सारे मैं वन ही लिख रही हूँ, ये 1 0 ही हो रहा है, कहीं पे भी 2 नहीं हो रहा। तो इसको और एक वन कर देते हैं। चलिए ये हमारा नंबर है बाइनरी में, और इस बाइनरी नंबर को यानी कि बेस 2 में मुझे कन्वर्ट करना है बेस 16 में, दैट इज हेक्साडेसिमल। यहाँ पर एक तरह का सिमिलर प्रोसेस होता है ऑक्टेल की तरह। कैसा होगा, यहाँ पर हम एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, फिर से 4 का पेयर बनाना, ये हमारा एलएसबी है, और एमएसबी तक जाएंगे 4 का पेयर बनाते हुए। यानी कि पहले हमने ग्रुपिंग की थी कितने की, 3 digits की थी, अब यहाँ पर हम 4 digit की ग्रुपिंग करेंगे और सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अगेन देखिए यहाँ पर 1 digit आपका बच जा रहा है, तो मैं इसके आगे 3 और 0 लगा दूंगी और ये सेम 4 का ग्रुप बन गया मेरा। और ये नंबर का वेटेज चेंज नहीं करेगा क्योंकि मैंने एमएसबी के आगे लगाया है, तो एमएसबी के आगे लगाने से क्या हो रहा है, मेरे नंबर का ये जो डेसिमल सॉरी ये जो बाइनरी नंबर है इसका वेटेज चेंज नहीं हो रहा है, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसीलिए हमने एमएसबी के आगे लगा दिया। अब यहाँ पर अगेन हर एक डिजिट में रिपीटेशन होगा, क्या रिपीटेशन होगा, बेस 2 है तो यानी 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। अगेन वैल्यू पता है तो वैल्यू लिख दीजिए सीधा, 1, 2, 4, 8, अगेन 1, 2, 4, 8। बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल याद रह जाएगा अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली तो। सबसे आसान कन्वर्जन होता है आपका बाइनरी से कुछ भी कन्वर्ट करना, चाहे आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, ऑक्टेल में या हेक्साडेसिमल। अगेन फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, जहां जहां वन दिख रहा है वहां वहां आप ऐड करते जाएंगे,
तो यहाँ पर हमें ऐड क्या क्या करना है, 8 + 4 + 2 इस ग्रुप में क्या ऐड करना है, 4 + 2 + 1 जहां पर जीरो है मैं उसे ऑलरेडी एलिमिनेट कर रही हूं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिएगा। 8 + 4 + 2 अगेन 1 ओनली, क्योंकि बाकी सब पे जीरो है। तो यहाँ पर हमारा 8 + 4 + 2 है, तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 + 4 इज योर 12, 13, 14। अब 14 मेरा नंबर क्या है यहाँ पर, 14 इज ई, ये मेरा 14 है, 14 की जगह मुझे ई लिखना है। तो यहाँ देखिए एड सम होके आ रहा है क्या, 14, 14 क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है हेक्साडेसिमल में, तो मुझे लिखना है ई। नाउ यहाँ पर आपका जो सेकेंड ग्रुप है उसमें क्या एडिशन हो रहा है, 4 + 2 = 6 and 7, क्योंकि 7 हमारे पास यहाँ 0 to 9 के नंबर सिस्टम में है, तो हम यहाँ 7 ही लिख देंगे। अगेन यहाँ पर एड अप होके आ रहा है 14, तो अगेन 14 की जगह ई लिखेंगे, और 1 तो मेरा ऑलरेडी नंबर सिस्टम में है ही। तो मेरे रिजल्ट में मुझे 4 डिजिट मिला, क्योंकि यहाँ 4 ग्रुप बने थे जो आपका बाइनरी नंबर था। तो हेक्साडेसिमल में आंसर क्या आएगा, हेक्साडेसिमल में आंसर क्या आएगा आपका, ई आएगा, 7 आएगा, ई आएगा और फिर 1 आएगा। मैं साफ से यहाँ पर फिर से लिख दे रही हूँ, आपका आंसर जो आएगा, ये जो नंबर था आपका बाइनरी में, ये हेक्साडेसिमल में आएगा 1E7E in 16 base, दैट इज योर हेक्साडेसिमल। आई होप दिस वॉज एन ईजी प्रोसेस फॉर यू टू डाइजेस्ट। अगर कोई भी इशू आता है प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। And in the next video, we will focus on decimal to other number system conversion. Thank you so much.